नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पित आर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें पीएम ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया, साथ ही कई राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी का भी जिक्र करते हुए इसे रोकने की नसीहत दी। साथियों, वैक्सीन अभियान को लेकर कई साथियों ने अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर इस लड़ाई में वैक्सीन अब एक साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है, ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोजेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए। और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसके मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए और हमारी सिस्टम को प्रोएक्टिव लोगों को कांटेक्ट करके एक साथ इतने लोग मौजूद रहे ताकि वैक्सीन दे, वैक्सीन वेस्टेज न जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां आईटीपीसीटी पीसीआर जांच कराने को भी कहा है। दूसरा जो विषय मैंने कहा, आरटीपीसीआर टेस्ट को स्केल अप करना बहुत आवश्यक है ताकि नए केसेस की पहचान तुरंत हो सके। स्थानीय प्रशासन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की दिशा में हमें आग्रह करना चाहिए, वो वहीं पर काम तेजी से करें। हम बहुत तेजी से रोक पाएंगे ताकि संक्रमण का दायरा फैलने से रोकने में वो मदद करे। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ाने पर चिंता जताई, साथ ही उन्होंने इस महामारी को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे तो कई खास बातें उन्होंने कही। जैसे उन्होंने कहा कि वैक्सीन जो लग रही है उनकी बर्बादी हो रही है, उस पर ख्याल रखना होगा, साथ ही साथ आरटीपीसीआर टेस्ट जो है उसको भी करवाना होगा। और किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए राज्यों को? देखिए, राज्यों को एक सबसे बड़ी जो चिंता की बात प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पॉजिटिविटी रेट कुछ राज्यों में बढ़ रही है, जैसे मध्य प्रदेश का उन्होंने बकायदा नाम लिया और महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र का नतीजा सबके सामने है कि एकदम तेजी से वहां पर ऐसा लग रहा है कि कोरोना की सेकंड वेव उसी रफ्तार में आ गई है जैसी वो पहले थी। तो दोनों ही राज्यों में ट्रैकिंग, टेस्टिंग और उनका पूरा रखना अपने पास कि कहां से मरीज आ रहा है, कैसे वो मरीज आगे आ रहा है, क्या वो पूरी तरीके से अपने आप को क्वारंटीन रख रहा है और किन किन लोगों से मिल रहा है, इन सब
सब चीजों को जब तक पूरी तरीके से उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा तो इस तरीके की दिक्कतें आएंगी। और प्रधानमंत्री ने एक खास बात जो बोली है वो राज्यों को भी शायद ठीक ही लगी है, क्योंकि जब पहले कोरोना आया था तब राज्यों के पास और केंद्र के पास अनुभव नहीं था कि उसको कैसे डील किया जाए, लेकिन अब एक बड़ा लंबा अनुभव है। अब चूंकि वैक्सीन भी आ गई है तो और पुराने अनुभव भी है कि किन चीजों को अपना करके राज्य बच सकते हैं, और ये तो एकदम मान करके चलना पड़ेगा राज्यों को, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी आज ये साफ किया है कि जब तक आक्रामक तरीके से टेस्टिंग नहीं होगी, आक्रामक तरीके से ट्रैकिंग नहीं होगी और उनको अलग रखने की आइसोलेट करने की जब तक आक्रामक तरीके से नहीं किया जाएगा कोरोना के मामलों पर, जो दूसरी वेव है उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अब रामबाण है, वैक्सीन जो है वो एक रामबाण की तरीके से सामने आया है, एक साल की खोज के बाद ये वैक्सीन सामने आया, लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब देखने में क्या आ रहा है, क्योंकि जो वैक्सीन होता है वो 10 और 20 की डोज में सामने आता है, तो अगर 10 पेशेंट होंगे तब उसको अगर खोला जाए तो 10 वाला पैक यूज किया जा सकता है, और 20 पेशेंट एक साथ अगर मौजूद रहेंगे तो 20 वाला खोला जा सकता है, लेकिन कई बार उतने पेशेंट नहीं होते और एक दो डोज अगर उसमें से लगाई तो बाकी डोज खराब हो जाती है। यही कारण है कि तीन राज्यों का बाकायदा नाम लिया गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, जहां पर ये जो बर्बादी हो रही है वैक्सीन की करीब करीब 10% है, तो इसको भी राज्यों को रोकने के लिए चिंता करनी पड़ेगी, और ये एक प्लानिंग के तहत ही हो सकता है कि अगर राज्य जहां पर भी जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर उतने मरीज होने के बाद ही उसे खोला जाए। और मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया तो उसके साथ ही साथ उन्होंने ये देखिए बीजेपी की भी अपनी तैयारी है, अलग अलग जो नेता है सांसद है वो भी लोगों के बीच पहुंचेंगे और उनको जागरूक करेंगे कि वैक्सीनेशन कराएं, लेकिन ममता बनर्जी विक्रांत नहीं पहुंची जब मुख्यमंत्रियों से रूबरू हो रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए ममता बनर्जी का कहना था कि उनके करीबी सूत्रों का कहना था कि ममता बनर्जी पहले से, क्योंकि राज्य में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे जिस कारण वो इस बैठक में नहीं आई, हालांकि उन्होंने अपने मुख्य सचिव जो राज्य के मुख्य सचिव थे उनको इस बैठक में मौजूद रहने को कहा था और बैठक में वही मौजूद हुए थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से यही सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ इतनी महत्वपूर्ण बैठक को मुख्यमंत्री ने छोड़ा। और एक और बात की केवल पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में नहीं आए और उनकी जगह पर भी वहां के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बैठक में हिस्सा लिया, तो ममता बनर्जी की अनुपस्थिति पर भी बीजेपी ने सवाल उठाया और कहा है कि राज्य इतनी महत्वपूर्ण बैठक जिसमें कोरोना को लेकर के संकट पर चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री को रहना चाहिए था। ठीक है विक्रांत आप नजर बनाए रखिए, तो तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले अगर 24 घंटों में बात करें तो कोरोना के करीब 29,000 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 188 लोगों की मौत भी हुई है और मौत का ये आंकड़ा भी 2 महीनों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात तो महाराष्ट्र के हैं, जहां पिछले 24 घंटे में करीब 18,000 मरीज मिले हैं और इनमें भी 1,922 अकेले मुंबई से हैं। इसके अलावा केरल और पंजाब में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। पंजाब में 1,843 नए मरीज मिले, जबकि एक दिन में 27 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में भी कल 368 नए मरीज मिले। तो देश के कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब सहित कुछ राज्यों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ने राज्य सरकारों के साथ ही केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद कई राज्यों ने सख्ती बढ़ा दी और प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया। टूटा कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीज, देश में इस वक्त 2,00,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज। लौट रही है महामारी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब में लगातार सामने आ रहे नए मरीजों की संख्या ने चिंता बढ़ा दी है
और महाराष्ट्र के हालात से कोरोना की दूसरी लहर जैसे संकेत मिलने लगे हैं। कोरोना से बचने के नियमों की अनदेखी से हालात कहां पहुंच गए ये आंकड़े बता रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 24,492 मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,14,09,831 हो गई है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या अब 2,23,432 है और कोरोना से ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 1,10,27,543 है। देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही जिम्मेदारी की जगह लापरवाही ने पैर पसारना शुरू कर दिया। खत्म होता दिख रहा कोरोना फिर से लौटता नजर आने लगा है। हालांकि सरकार की कोशिशों के बाद अब देश भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन दवाई के आते ही बढ़ती गई ढिलाई भारी पड़ने लगी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री लोगों से तो बार बार अपील कर ही रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर खतरे को लेकर आगाह कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक एक चीज की चिंता की है बारीकी से, कोविड के हर खंड, और अभी जो वैक्सीन की बात है 3 बैठकें हो चुकी है उनके उनकी अध्यक्षता में, उन्होंने किया है उनकी पहल पर, और वो एक एक चीज को गंभीरता से ले रहे हैं। और देश के अंदर जिस राज्यों में भी कोविड का थोड़ा भी बढ़ने की बात हुई है वो संकेत भी करते रहते हैं, सावधानी भी बरतने के लिए कहते हैं। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों ने देश की चिंता बढ़ाई है। अकेले महाराष्ट्र में इस वक्त देश के कुल कोरोना मरीजों के आधे से ज्यादा मरीज हैं। बीते 24 घंटों के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना के 17,864 नए मरीज सामने आए और इसी दौरान 87 की मौत हो गई। नए मरीजों के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा 23,47,328 हो गई है। यहां अब तक कुल 52,996 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में ही बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,922 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 4 की मौत हो गई। इसी तरह नागपुर में बीते 24 घंटे में 2,587 नए मरीज सामने आए, जिनमें 18 की मौत हो गई। नागपुर में इस वक्त कोरोना के 18,980 मरीज हैं, तो पुणे में सबसे ज्यादा 26,468 मरीज हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर जैसे हालात बताए जाने लगे हैं। जब हालात ऐसे हो तो राज्य सरकार और प्रशासन की सख्ती लाजमी है। देश में ऐसे कुछ शहर है जहाँ काफ़ी ख़राब हालात है, उसमें नागपुर भी एक है। पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो नागपुर में 2500 के ऊपर मामले आए हैं। आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है, इसके बावजूद भी बड़ी मात्रा में लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि लोग सवेरे से इधर उधर घूम रहे हैं, बाहर निकले अपने टू व्हीलर से घूम रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं, तो लोग अपने अलग अलग काम से नागपुर के सड़कों पर दिख रहे हैं। नागपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लग चुका है। सख्ती का आलम यह है कि नागपुर के यशवंत स्टेडियम इलाके की एक बस में कोरोना के नियमों की अनदेखी कर ज्यादा यात्रियों के सवार होने की शिकायत मिली तो पुलिस ने छापेमारी कर बस मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। थोड़ा अंतर पर खड़े रहो आप लोग, आपस में थोड़ा दूर दूर खड़े रहिए। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए बीएमसी ने 17 मार्च से मुंबई के सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र की तरह गुजरात में भी कोरोना धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाने लगा है। बीते 15 दिनों में गुजरात में रोज आने वाले मरीजों की संख्या दुगनी होने लगी है। गुजरात में 1 मार्च को कोरोना के 427 मरीज थे तो 15 मार्च को यहां 800 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले। सूरत के अलग अलग स्कूलों में अब तक 31 छात्र और एक शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी वजह से सूरत में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। गुजरात में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए ही मंगलवार को भारत इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेला गया क्रिकेट मैच बिना दर्शकों के हुआ। गुजरात के 4 शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना का असर मध्य प्रदेश पर भी नजर आने लगा है। बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 817 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में इस वक्त कोरोना के 5,287 मरीज हैं। बीते 24 घंटे में इंदौर में 264, भोपाल में 196, जबलपुर में 44 और ग्वालियर में 30 नए मरीज सामने आए।
पंजाब में भी कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। पंजाब में बीते 24 घंटे में 1843 लोग कोरोना की चपेट में आए। इस दौरान कोरोना की वजह से 38 लोगों की मौत हो गई। बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। लुधियाना, जलंधर, कपूरथला, मोहाली, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, नवाशहर, होशियारपुर और रूपनगर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। पंजाब में बोर्ड की परीक्षाएं भी एक महीने के लिए टाल दी गई हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना के मरीजों ने देश की चिंता बढ़ा दी है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या देश कोरोना की दूसरी लहर की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद दिल्ली समेत कई शहरों में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं, दिल्ली, गाजियाबाद और जयपुर, जहां ट्रेन के जरिए दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की स्टेशन पर ही कोरोना जांच हो रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। राज्य में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव सरकार ने केंद्र के भेजे गए सभी टीकों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार ने 50% से ज्यादा कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बकायदा ट्वीट किया और लिखा कि महाराष्ट्र सरकार ने 12 मार्च तक राज्य को भेजे गए कुल 54 लाख टीकों में सिर्फ 23 लाख टीकों का इस्तेमाल किया, 56% टीकों का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब शिवसेना के सांसद राज्य के लिए और वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। पहले महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था और अब टीके लगाने में भी। वही बीजेपी नेता मनोज कोटक ने महाराष्ट्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई से सांसद मनोज कोटक जी हैं। सर, लगातार ऐसा हो रहा है पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कदम उठाए जाने चाहिए राज्य में? महाराष्ट्र की सरकार है जिन्होंने पहले दौर में जो सावधानियाँ और बाकी सारे चीज़ों SOP का पालन किया था, अब वो हो नहीं रहा है। जिस तरह की SOP, कोरोना के पेशेंट मिलने के बाद उनको क्वारंटाइन करना, उनकी बिल्डिंगों को सील करना, उस परिसर के ऊपर ध्यान रखना, सैनिटाइजेशन करना, अब महानगर पालिकाएँ महाराष्ट्र की इस तरह का काम नहीं करने के कारण ये मामले बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अधिकारियों ने बहुत चौकसी और बहुत मुस्तैदी से इसका काम करना चाहिए और इन सभी मामलों के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए जो SOP जाहिर हुई है उसका पालन करना। क्या लगता है कि केंद्र सरकार ने जो डायरेक्टिव इशू की है उसमें किस हद तक सहयोगात्मक रवैया प्रदेश सरकार की ओर से मिल रहा है? मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार एक अपने उलझन में फंसी हुई है, उनको सरकार बचाने की पड़ी हुई है और इसके कारण ये कोरोना के मामलों पर ध्यान नहीं दे रहे। अमित पांडे, दिल्ली, News 18 इंडिया। देशभर में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के बीच MP और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात खराब होता देख MP सरकार ने अपने दो बड़े शहर भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया, जबकि सबसे ज्यादा असर वाले 8 शहरों में भी आज से सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ में भी हालात खराब हो रहे हैं और इसके बावजूद वहां लोग लापरवाह बने हुए हैं। MP में फिर कोरोना अटैक। भोपाल, इंदौर में नाइट कर्फ्यू। आठ शहरों में सख्त नियम लागू। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर लोग लापरवाह। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहां जगह जगह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टरों के जरिए मुख्यमंत्री लोगों से कोरोना से बचाव के नियमों के पालन की अपील कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसकी नौबत यूं ही नहीं आई।
लगातार कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद शिवराज सिंह चौहान ऐसा करने पर मजबूर हुए। लोगों में जागरूकता की कमी तो देखिए, सामने सरकार की तरफ से किस तरह से होर्डिंग लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बकायदा मास्क लगाकर यहां लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने बगैर बाहर मत निकलिए। लेकिन अभी हम इसी चौराहे पर, भोपाल का ये व्यापम चौराहा है, इस चौराहे पर लगातार हम लोगों को देख रहे थे कि कुछ लोग तो देखिए सामने जैसे वो गाड़ी जा रही है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि भोपाल में अब 5% से ज़्यादा की दर से जो पॉजिटिविटी रेट है, संक्रमण दर है, उससे आगे बढ़ा है। कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से सरकार परेशान है, लेकिन लोगों को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कई जगह लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे और ना ही मास्क लगाने की जरूरत महसूस करते। ऑटो में 4 लोग जा रहे हैं, ऑटो में ड्राइवर साहब अब हमको देख के पहनेंगे मास्क, उन्होंने पहन लिया। ये 4 लोग बैठे हैं, देखिए सबके पास है, देखिए अब देखिए एक एक करके बैग में हाथ जाने लगे, किसी का अपने हाथ, देखिए ये बैग से ये निकल गया, इनकी जेब से भी निकल गया। बस एक शख्स है जो कि अच्छे से मास्क लगाकर बैठे थे। तो ये जो लापरवाही है, सबके पास मास्क है, आपके पास मास्क है फिर भी क्यों नहीं पहने थी आप? नहीं, ये लेट हो रहे थे, जल्दी जल्दी में निकले। अच्छा, मास्क के 2 सेकंड में लेट हो जाती? नहीं। आपका बहाना और बता दीजिए। मुझे घुटन होती है, मैं 24 घंटे ही लगा के कोर्ट में बैठे रहती, इसलिए मैं जेब में रख के आ गई। मध्य प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां कोरोना बीते कुछ दिनों में तेजी से फैल रहा है। राजधानी भोपाल और इंदौर कोरोना के नए केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। एमपी में मंगलवार को जारी किए गए स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 817 नए मरीज सामने आए, जिसमें इंदौर के 264 और भोपाल से 196 नए मरीज शामिल हैं। उधर कोरोना ने विधानसभा की कार्रवाई पर भी असर डाल दिया और 5 विधायकों और 7 कर्मचारियों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद सरकार ने 26 मार्च तक चलने वाले विधानसभा के बजट सत्र को बीच में ही रोक दिया और अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। कोरोना बढ़ रहा है और बचाव का एक ही उपाय है, और वो उपाय है मास्क लगाए रखना। आप तो लगाओ, लेकिन घर में अगर मम्मी पापा भी लापरवाही करें, घर के अंदर मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मम्मी पापा भी अगर बिना मास्क के कहीं जाएं तो उनको टोकना जरूर। हर दिन बढ़ रही कोरोना की रफ्तार को देखते हुए इंदौर और भोपाल दोनों ही शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी हो चुकी है। कोरोना का असर सिर्फ 2 बड़े शहरों पर ही नहीं है, 8 जिलों के आंकड़े कोरोना के पैर पसारने के संकेत दे रहे हैं। इसकी वजह से सरकार ने कोरोना से बचाव के नियमों में सख्ती की है। राज्य सरकार ने जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में नियम सख्त करते हुए रात 10 बजे तक बाजार बंद करने का नियम लागू कर दिया। इतना ही नहीं, राज्य में कई पाबंदियां भी लगा दी गई। खास तौर पर भोपाल में कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई, जबकि रात 10:30 बजे के बाद हर तरह के कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई। शहर में धरने और प्रदर्शन पर भी पाबंदी लगा दी गई। पूरे देश की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां से एमपी में दाखिल होने वाले लोगों के लिए 1 हफ्ते के लिए क्वारंटीन करने का नियम भी लागू कर दिया गया। बिल्कुल ठीक कदम होगा, अगर रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहता है इस तरीके का, तो एक सर्टेन सोशल डिस्टेंस और लोग अपने घर में रहेंगे तो मामला ठीक रहेगा। नाइट कर्फ्यू होना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के जो पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं इंदौर में, उसको देखते हुए ये सही निर्णय लिया हुआ है राज्य शासन ने। उधर छत्तीसगढ़ में भी हालात एमपी से अलग नहीं है। मरीजों के आंकड़ों में भले ही अंतर हो, लेकिन कोरोना का असर यहां भी तेजी से बढ़ रहा है। इस खतरे को जानते हुए भी लोग बिना मास्क के सड़कों पर दिख रहे हैं। बाजारों में भी बेलगाम भीड़ को कोरोना से बचने के नियमों की परवाह नहीं है। लापरवाही चरम पर है, जिसके लिए लोगों के अपने अपने बहाने भी हैं। मास्क नहीं लगाया, अभी लगा रहे हैं। कोरोना से डर लगता है? कोरोना हाँ, भाई भी कोरोना। आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क नहीं है तो कहाँ से लगाऊंगा? मास्क नहीं आपके पास? 10 रुपए में मिलते हैं, आप खरीद नहीं सकते। आउट एरिया से आ रहे हैं। आपको कोरोना से डर नहीं लगता? लगता है। आपने मास्क हाथ में रखा है, उसे मुंह में क्यों नहीं लगाया? लगाया थोड़ा देर। आपको वैक्सीन लगी है? कोरोना
को काबू में करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है, लेकिन सरकार के ही एक मंत्री कवासी लखमा कोरोना के खतरे से वाकिफ होते हुए भी भीड़ जुटाते नजर आए। ऐसे हालात में बचाव की कोशिशें जितनी भी कर ली जाएं कम ही पड़ेंगी। जरूरत लोगों के खुद जिम्मेदार होने की है, जिससे दोबारा लॉकडाउन की नौबत और महामारी के खतरे से बचा जा सके। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आ गया है। नेटवर्क 18 की पहल और ITC की इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। ये कहानियां बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या पहचान रखते हैं। ऐसी ही एक कहानी है टेक पायनियर्स की, जिन्होंने भारत की डिफेंस में अहम योगदान दिया है। भारतीय एरोस्पेस में जाना माना नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का इतिहास और विकास पिछले 8 दशकों में हुए भारतीय उद्योग के विकास के बराबर ही कहा जा सकता है। सो ओवर द इयर्स वी हैव कम ए लॉन्ग वे एंड वी हैव बीन सपोर्टिंग द इंडियन डिफेंस फोर्सेस टू द एक्सटेंट दैट ऑलमोस्ट 80% ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्स एयरक्राफ्ट्स वेदर इट इज आर्मी एयरफोर्स नेवी और कोस्ट गार्ड इज आइदर सप्लाइड बाय अस और मेंटेन्ड बाय अस। मेक इन इंडिया में अग्रणी रहे बेंगलुरु की इस कंपनी का लक्ष्य एरोस्पेस उपकरणों के डिजाइन विकास विनिर्माण और रखरखाव में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। As part of the आत्मनिर्भर भारत we also should ensure that the ecosystem should also develop along with us so that we don't have to go to a foreign source for buying materials। भारत सरकार ने HAL के साथ भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद के लिए 48,000 करोड़ रुपए के एक समझौते को मंजूरी दी है। इस पहल के साथ आज HAL आत्मनिर्भर भारत के आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा है। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बना दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 20 मार्च को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए अन्याय के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी दिल्ली की 12 साल की अनुष्का जॉली से, वो लड़की जिससे बुलिंग करने वाले डरते हैं। अनुष्का के दोस्तों ने स्कूल के एनुअल डे पर 6 साल की एक बच्ची को बुली करने, तंग करने, परेशान करने का प्लान बनाया, लेकिन जब अनुष्का ने देखा कि वो बच्ची बुरी तरह सहम गई है तो उसने अपने दोस्तों को मना किया और उस बच्ची को बचाया। उसी के बाद अनुष्का ने ABS यानी एंटी बुलिंग स्क्वाड की शुरुआत की। ये एक ऐसा वेब प्लेटफॉर्म है जहां एक्सपर्ट की मदद से बुलिंग के शिकार बच्चों की मदद की जाती है ताकि वो जिंदगी भर उस जिल्लत में ना घुटे। अनुष्का सबको बुलिंग ना करने की शपथ भी दिलाती है और वो अब तक 700 बच्चों की मदद कर चुकी है। 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए एंटी बुलिंग स्क्वाड की फाउंडर और CEO से, जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।